हेलो एवरीवन, मैं हूँ आराधना और आप लोगों का फ्रेंड्स एंड फूडीज में स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेव और टमाटर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली सब्जी है, सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा कि आप हफ्ते में एक बार इसे जरूर बनाएंगे। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेव। ये सेव मार्केट में आसानी से मिल जाता है, बेसन का बना होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे नमकीन के रूप में भी खा सकते हैं और इसकी सब्जी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसे आप खरीद कर रख सकते हैं और जब भी कोई झटपट सब्जी बनानी हो तो आप इस सब्जी को बना सकते हैं। तो सेव को हम साइड में रखते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। अब हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, जितना कम ज़्यादा आप खाते हो। उसके बाद आधा छोटा चम्मच सरसों डालेंगे, जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हींग डालेंगे। और उसके बाद 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, 1-2 तेज पत्ता डाल देंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। जैसे सारी चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी, मिर्ची भी हमारी भून जाएगी, उसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को हम लो फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम चलाते रहेंगे और गैस को हम लो फ्लेम पर रखेंगे। तो देखिए, अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है, गैस को लो फ्लेम कर देंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, या फिर आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। बस कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे और गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है। और अब हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, तो 1 टमाटर का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज का भी तड़का लगा सकते हैं। और अब हम मसाले को ढक करके अच्छे से पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि मसाला तेल अच्छे से छोड़ नहीं देता। एक बार मैंने बीच में इसको चला दिया था, तो देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। तो बस अब हम गैस को लो फ्लेम पर ही रखेंगे और इसमें हम कुछ हरी मिर्चें डाल देंगे, तो बीच से स्लिट करके हमें डालनी है। और उसमें अब कसूरी मेथी डालेंगे और हम इसमें 1 और टमाटर डालेंगे, उसको हम बड़े बड़े पीसेस में इस तरह से काट के डालेंगे। इसे भी हम मसाले के साथ अच्छे मिक्स कर लेंगे। इसे हमें भूनना नहीं है, बस मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम पानी डालेंगे, लगभग 1 ग्लास के करीब। तो पानी की क्वांटिटी हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि सेव बेसन का बना होता है। सेव डालने के बाद ग्रेवी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसी हिसाब से आप ग्रेवी लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी पतली लगेगी लेकिन बाद में ठीक हो जाती है। बस अब हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और ढक करके इसे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो सबसे पहले 3 मिनट हमें ग्रेवी को पका लेना है। तो देखिए, 3 मिनट मैंने इसे पका लिया है। अब हम सेव डाल देंगे। तो सेव को डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक करके बस इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो सेव एकदम गल जाएगा। तो जैसे 2 मिनट हो जाएंगे, हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए, 2 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। तो बस अब हम गैस को बंद कर देना है, इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। बस धनिया की पत्ती अब हम इसमें डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें तुरंत नहीं सर्व करना है, इसे हम ढक करके 3 से 4 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाएगी, जो सेव है ग्रेवी को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा फ्लेवर सेव के अंदर आ जाएगा। तो देखिए, 3 से 4 मिनट बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी सब्जी। तो देखिए, हमारी सेव और टमाटर की झटपट बनने वाली और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार है। तो देखा आपने, कितने कम समय में ये हमारी टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इसे पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल किसी के भी साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।